नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पास ट्रेनों को चलाने के लिए डीजल भी नहीं बचा। सिर्फ 3 दिन का डीजल बचा है जिससे वो अपनी ट्रेनों को चला सके। ऊपर से उनके पास पैसे भी नहीं बचे ताकि वो डीजल खरीद सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने बाद में आप भूल जाते हो। पिछले साल से कंपेयर करें तो पाकिस्तान का उधार 25% बढ़ चुका है और IMF का उधार 21% बढ़ चुका है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में ऐसा भी हाल हो चुका है दोस्तों कि ट्रेन चलाने वाले ड्राइवरों को उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही। अगर बात करें दोस्तों पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू की, तो पाकिस्तान रुपये की वैल्यू $1 के कंपेयर में 224 पाकिस्तानी रुपये है। इसी के साथ पाकिस्तान में पेट्रोल की बात करें तो 233.04 पर लीटर पाकिस्तानी रुपया है और डीजल की बात करें तो 1 लीटर डीजल लेने के लिए आपको 244 पाकिस्तानी रुपये देने पड़ेंगे। इसी के साथ केरोसिन की बात करें तो वो लगभग 200 रुपया पर लीटर है। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है पाकिस्तान में कि वहाँ के लोग गाड़ियाँ ना यूज़ करते हुए पैदल ही चलना अच्छा समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए मॉल को जल्दी बंद करने का ऑर्डर दिया गया है ताकि मॉल में बिजली कम यूज़ हो और जल्दी मॉल बंद होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी बचा सके। श्रीलंका की राह पर चल पड़ा है पाकिस्तान। चीन से लोन लेकर श्रीलंका भी कंगाल हो गया, अब पाकिस्तान भी वही गलती दोहरा रहा है। पाकिस्तान ने भी काफ़ी सारा लोन चीन से लिया है और आगे भी लेने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान पर भी कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पाकिस्तान पर अभी तक 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया उधार हो चुका है। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हुआ है। सबसे ज़्यादा लेनदारी उनके समय में ही रही है। इस समय की बात की जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। आर्थिक तंगी की मार झेल रहा पाकिस्तान अपना अमेरिका में दूध बांस बेचने का प्लान कर रहा है। न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि इसकी मंजूरी फॉरेन ऑफिस ने दे दी है। इसकी कीमत लगभग 50 से 60 लाख डॉलर है। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक रूप से मार झेल रहा था, लेकिन हाल ही में आई बाढ़ ने उन्हें और भी कंगाल करके रख दिया। पाकिस्तान पर IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना और भी अन्य देशों का उधार है जो पाकिस्तान को चुकाना है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।